हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल जय जोहार राम राम व्हाट एवर यू कनेक्टेड विथ। आज वही क्लास टेंथ का पावर शेयरिंग का चैप्टर थर्ड जो पढ़ने वाले हैं, मैं आप लोग कल बताया था। आज एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है व्हाई पावर शेयर इज डिजायरेबल। मेरे बोलने का मतलब है पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरत है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ आज का चैप्टर एकदम छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। ऐसा क्यों काम का है ना, इसी नाम से इसी साल इट मीन 2019 में इस सर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था और यही क्वेश्चन आया था कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, यानी टू पॉइंट्स लिखना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था जो 3 मार्क का था। तो इसी नाम से मैं आपको पॉइंट के हिसाब से बनाया हूँ क्वेश्चन विथ आंसर बनाया हूँ। आप लोग आंसर के चलते पढ़िए ताकि क्वेश्चन आप लोग का आसानी से बन जाए। मैं आप लोग को ऑलरेडी 2 क्वेश्चन बता चुका था और ये है थर्ड क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर के साथ साथ कैसे क्वेश्चन भी आता है मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। देखते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इट मीन्स क्यों जरूरत है पावर शेयरिंग। इसका मेनली टू कॉजेस इन पावर शेयरिंग डिजायरेबल, दैट इज वन इज प्रूडेंशियल कॉजेस और दूसरा इज मोरल, सेकेंड थिंग इज मोरल। मोरल मीन्स आप लोग हिंदी में जानते हैं नैतिक है, और प्रूडेंटियल क्वेश्चन आता है प्रूडेंटियल मतलब क्या है, यानी कि मोरल मतलब नैतिक का ओपोजिट है, उसमें कितना फायदा है कितना लॉस है, ये सब प्रूडेंटियल रीजन में पता चलता है, यानी कि सूझबूझ भरा। प्रूडेंटियल रीजन मतलब आप जान सकते हैं सूझबूझ भरा, प्रॉपर हिंदी में अगर बताया जाए। ऑलरेडी मैं आप लोग को लिखा हूँ प्रूडेंटियल बेस्ड ऑन प्रूडेंस, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ए केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेंस एंड लॉस, यानी कि फायदा और लॉस का केयरफुल कैलकुलेशन कर पाना है प्रूडेंटियल रीजन से। आते हैं देखते हैं प्रूडेंटियल रीजन यानी कि क्या फायदा देता है। नंबर वन में लिखा है इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ए सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ देयर लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। आप लोग जानते होंगे जैसे कि आप लोग का एग्जाम्पल दिया गया था इसका बेल्जियम का आप लोग का एग्जाम्पल दिया गया था। बेल्जियम में डॉच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे, कुछ मात्रा में आप लोग जर्मन स्पीकिंग लोग भी रहते थे। उन लोगों के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आने लगा। कैसे कॉन्फ्लिक्ट, अगर एक मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी के ऊपर ज़्यादा क्या रहेंगे दबाव डालते रहेंगे, ऑब्वियसली मेजोरिटी का पावर ज्यादा रहेगा, इसके चलते सोसाइटी में क्या होगा इनस्टेबिलिटी होगा, इनफीरियरिटी महसूस करेंगे। कौन लोग करेंगे, माइनॉरिटी वाले करेंगे, ठीक है ना। वो जात को लेकर हो, इट मीन्स कास्ट को लेकर हो, रिलीजन्स को लेकर हो, किसी को लेकर हो, यानी कि प्रूडेंटियल रीजन मेन कारण क्या है ना, उसमें सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। सभी को समान हिस्सा जीने का जो है वो नहीं देता है, इक्वालिटी नहीं देता है। सेकेंड थिंग इट इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इफ पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट लेवल देन इट क्रिएट स्टेबिलिटी। सब कुछ टू दैट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जर्मनी में या आपका बेल्जियम में अगर फ्रेंच लोगों को ज़्यादा प्राधान्यता नहीं दिया जाता या डच लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया ना, दोनों ही गवर्नमेंट्स को एक साथ लेकर बांध कर क्या किया ना, सरकार को चलाया। उसके लिए उसको 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा, लेकिन नो डाउट उसका कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट में इतना बेहतरीन हुआ जो वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल बन के रह गया और आप लोग उसके चलते भी पढ़ रहे हो, तो इसको याद रखिएगा। यानी कि पावर शेयरिंग होने से स्टेबिलिटी लाता है, पहले तो ये पावर शेयरिंग नहीं होने से इनस्टेबिलिटी होता है, और सेकंड में होता है पावर शेयरिंग करने से स्टेबिलिटी आ जाता है। सेकेंड थी थर्ड थी इट सेज मेजोरिटी विल इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म। मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया हूँ मेजोरिटी शुड बी ग्रांटेड, माइनॉरिटी शुड नॉट बी लेग्नेटेड। मेजोरिटी का विल पावर को अगर हम लोग ध्यान में देखेंगे तो वो कुछ शॉर्ट रन पीरियड तक अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन पीरियड में वो अच्छा नहीं है।
लॉन्ग रन पीरियड में इट क्रिएट इनस्टेबिलिटी अमंग द सोसाइटी फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप और मेनी अदर्स। इधर क्लियर आते हैं मोरलिज्म, यानी कि मोरलिटी बोले तो नैतिकता के दृष्टिकोण से कैसा है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर टू लिव विद योर सीक्रेट। सब कुछ टू दैट आप लोग ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल आप लोग को दे रहा हूँ। मोरलिटी के दृष्टिकोण से कैसे ना, श्रीलंका के बात किया जाए, सिन्हाला और तमिल, अगर सिन्हाला वाले तमिल लोगों को लेकर एक साथ एक सरकार बनाते तो फायदा क्या होता है ना, उन लोग का मोरल व्यूज, उन लोग का मोरालिटी ग्रोथ करता है। नहीं, हम लोग कम होने के बावजूद भी हमें ये लोग भाईचारा दिखा के हम लोग एक साथ, हम कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, हम लोग एक साथ क्या कर रहे हैं, सोसाइटी बन रहे हैं, तो मोरालिटी ग्रोथ करेगा कि नहीं, ऑब्वियसली ग्रोथ करेगा। तो उनका मोरालिटी ग्रोथ किया, यानी कि सोसाइटी में जो सभी को एक साथ रहने का हक है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई रिलीजन्स का हो, कोई भी सोसाइटी का हो, वो फायदा उन लोग को मिलने वाला है। ये वाला पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीपुल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। सेकंड थिंग, अगर इन पावर को शेयर किया जाएगा तो एक माइनॉरिटी लोग अपना भी व्यू दे सकते हैं कि नहीं, सरकार को अगर ऐसा चलाया जाए तो सरकार अच्छे से चल सकता है, यानी कि मोरालिटी उन लोग का ग्रोथ करेगा। ग्रोथ किया कि नहीं पावर, यानी कि पावर रियल में जो फायदा तो हो रहा था लोगों का मोरालिटी में भी ग्रोथ करेगा, यानी कि हमारा मोरालिटी ग्रोथ करता है तो हम लोग अंधे को रोड क्रॉस कराते हैं, हमारा मोरालिटी ग्रोथ करता है तो हम गरीबों को कुछ फायदा देते हैं। इस तरह मोरालिटी लोगों का ग्रोथ करेगा, यानी कि उनका भी बात अगर सरकार में सुना जाएगा तो मोरल भी उनका बढ़ेगा और कुछ ना कुछ देश डेवलप करेगा। हर थिंग, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन व्हेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सोसाइटी। इधर आता है लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब एक सभी को लेकर जुड़कर, यानी कि आप लोग मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को जुड़कर जुड़ के एक सरकार बनाता है, यानी कि जो सरकार देश के डेवलपमेंट के लिए सोचता है वो सभी को लेकर सोचेगा, क्योंकि सभी में सभी को पार्टिसिपेशन करने का हक है, इक्वालिटी सभी को देना हक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस बार आया था। और एक बार लास्ट में बता देता हूँ, व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों जरूरत है। इसका दो कारण है, एक प्रूडेंशियल रीजंस, एक मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन से फायदा आप लोग को क्या फायदा क्या लॉस कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसमें की मोरालिटी के दृष्टिकोण से क्या फायदा मिलता है। और मत भूलिएगा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। लेसन चैनल का नाम लेसन डाइजेस्ट है, आप लोग के लिए बनाया गया है। आप लोग जितना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरा मोरालिटी भी बढ़ेगा, और मैं आप लोग को और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, यानी कि 10th क्लास में और अच्छे से आपका मार्ग बनेगा, ये हमारा वादा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।